Hello, ma'am. Thank you for joining us. Yes. In more than 1,000 schools, there are only 203 appointed principals at the moment. How big is this problem? How do you see it? See, of course, this is a very big problem. आप खुद सोचिए, कोई भी ऑफिस हो या कोई भी जो चीज होती है वो अगर कोई हेडिंग नहीं कर रहा, प्रॉपर कोई पोजीशन पे नहीं बैठा हुआ, तो आप समझ सकते हैं जो भी सिस्टम होता है वो लचीला हो जाता है। और जहां तक बच्चों की बात है, यहाँ पर बच्चों को संभालना, चाहे वो कितना भी नंबर हो उसका, अगर हम डेटा को उठा के देखें, अगर कितना भी नंबर हो, बट जब तक कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं होता, प्रिंसिपल जो स्कूलों में अपॉइंट किए जाते हैं, अगर वो नहीं होता तो वो सिस्टम अपने आप में कहीं ना कहीं लचीला हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जब हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं और स्कूलों की बात कर रहे हैं, तो अगर हम दिल्ली का एजुकेशन एक्ट एंड रूल देखते हैं, वहां साफ साफ है, अपॉइंटमेंट्स बताई गई है कौन कौन सी कैटेगरी में कौन से लोग होंगे, और सब्जेक्ट वाइज जो पढ़ाएगा उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार जो करीबन 850 स्कूलों को विदाउट प्रिंसिपल चला रही है, जबकि वहीं पर दूसरी तरफ तर्क देती है कि वो यहाँ का बजट उनका बहुत सारा हाई है, तो ये बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक तरफ बजट हाई हो रहा है साल दर साल, वहीं पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अगर आप देखेंगे वो कम होते जा रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है कि जो जो रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स है वो सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और सीधा सीधा गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली द गवर्नर के अंदर आता है, ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उन पे जाती है। देखिए, ये इनका ना पुराना खेल है, जब हम लोग भी जाते थे अपनी कंप्लेंट्स लेके, वो यही कहते थे कि एजुकेशन गवर्नर के अंडर है, जबकि ऐसा नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, अगर मीडिया इनको फॉलो अप करें, ये आए दिन कुछ ना कुछ ऑर्डर निकालते रहते हैं। कोविड वाले छोड़ दीजिए, बाकी अगर आप देखेंगे, क्या हर चीज को गवर्नर से बात करते हैं? नहीं, ये आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। ये समझना होगा, ये जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, स्टेट देखता है। आई डू एग्री कि एलजी उसकी हेडिंग करता है, बट स्टिल एलजी से ज्यादा पावर हमारे शिक्षा मंत्री के पास है, मुख्यमंत्री के पास है। अगर आपको लगता है एलजी कहीं आड़े आ रहा है, आप उनको प्रपोजल तो दीजिए। अगर आपका एलजी नहीं मान रहा, जो आप छोटी छोटी बात में मीडिया में आते हैं, आप आके जनता को बताइए कि हमने एलजी के पास अपना प्रपोजल भेजा हुआ है, एलजी नहीं सुन रहा। जब इन स्कूल्स में प्रिंसिपल्स नहीं है, एक क्या सिनेरियो होता है जब देयर इज नो प्रिंसिपल इन प्लेस? आप प्रिंसिपल, जिसको एक शुरू से बोला जाता है, प्रिंसिपल मतलब टॉपमोस्ट अथॉरिटी होती है, उसके बाद एचओडीज आते हैं। बट दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रिंसिपल की पोस्ट हटाकर वो एचओडी से काम चला रही है। यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये जो एचओडी है, अब आप देखिए उसका लेवल नंबर 2 है। अब एचओडी अपनी पोजिशन हैंडल कर रहा है, प्रिंसिपल की कर रहा है अपने यहाँ पर अपना, क्योंकि वो डिपार्टमेंट का हेड है तो अपने डिपार्टमेंट को तो हैंडल करेगा ही करेगा। उसके अलावा वो ऑपरेशनल जो होती है, एडमिन जो होती है, उनको भी हैंडल कर रहा है। मतलब प्रिंसिपल का जो प्रोफाइल है वो भी हैंडल करना है, अपना भी करना है, और उसके नीचे जो एडमिन वाली चीज है वो भी हैंडल करना है। तो हमने कई सालों से हम इसको नोटिस कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं प्रिंसिपल्स जो है वो ओवरबर्डन है। ट्रस्ट मी, जो प्रिंसिपल्स है इतने ओवरबर्डन है, बट प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि वो मीडिया में आके अपनी बात नहीं कह सकते। इसके पीछे रीजन है, यदि कोई प्रिंसिपल या टीचर, इररिस्पेक्टिव, कुछ टीचर्स हैं जो मीडिया में आके बोल देते हैं, बट अगर दिल्ली सरकार को वो भनक लग जाती है, ट्रस्ट मी, उनके ऊपर इंटरनल कार्यवाही वो लोग शुरू कर देते हैं। गेस्ट टीचर्स की सैलरी की बात होती है कि उनके सैलरी लैप्सेस होते हैं, गवर्नमेंट पे नहीं करती है टाइमली, तो ऐसा क्या परमानेंट टीचर्स के साथ भी होता है, या सिर्फ ये सिर्फ जो प्रॉब्लम है गेस्ट टीचर्स तक ही सीमित है? देखिए, जितने परमानेंट टीचर्स हम जानते हैं, अक्सर वो पोस्ट डालते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं सैलरी की। बट यस, अगर मैं हाई कोर्ट में अभी जो केस चल रहा है उसकी मैं बात करूं, तो डेफिनेटली होता है। दैट इज द रीजन टीचर्स को आज की डेट में, देखिए, कोर्ट में जाना पड़ा ये कहते हुए कि हमें टाइमली सैलरी नहीं मिल रही है। और आपको पता है दिस मैटर इज सब जूडिस। मैं आपको इस कुछ छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी कि हाल ही में ये कॉपी है हमारे पास, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास एक कंप्लेंट पहुंची। उस स्कूल में प्रिंसिपल ने लाइब्रेरियन को बोला कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ा दीजिए।
और लाइब्रेरियन ने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया ये कहते हुए कि सर मैं लाइब्रेरियन हूँ, मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, और सबसे बड़ी बात है ना उसका जॉब प्रोफाइल है। अब आप देखिए, अब वो जो है वो क्या कर रहे हैं, किसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, वेदर दैट पर्सन इज होल्डिंग द एचओडी पोजीशन और प्रिंसिपल पोजीशन। आप, मैं यहाँ पे पूरी शिक्षा व्यवस्था बता रही हूँ, किसी ना किसी तरीके से मैनेज किया जा रहा है, जिसको हिंदी में बोला जाता है ना कि यार जुगाड़, तो ये सिर्फ जुगाड़बाजी हो रही है।